गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ मनी मार्केट। एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट एसेंशियल है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन ट्रेड, कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। कैसे? शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड्स है वो प्रोवाइड करवा के। तो उसकी इम्पोर्टेंस एंड रोल्स के जो हम पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो ट्रेड और इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स किस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं? वर्किंग कैपिटल के लिए, तभी तो वो स्मूथली फंक्शन कर पाएगी। इसका मतलब कि जो मनी मार्केट है वो फाइनेंस कर रहा है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ट्रेड और इंडस्ट्री की थ्रू वेरियस जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कमर्शियल पेपर्स हो गया, बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एसेट्रा हो गया। तो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मनी मार्केट के थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्री को हो रही है। इस तरीके से जो मनी मार्केट है वो कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट इज हेल्प्स गवर्नमेंट इन रेजिंग फंड्स। गवर्नमेंट को भी शॉर्ट पीरियड के लिए जो फंड्स हैं वो चाहिए होते हैं, तो जो वेल डेवलप मनी मार्केट है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है इन रेजिंग फंड्स। गवर्नमेंट क्या इशू कर सकती है? ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स एसेट्रा। अगर वेल डेवलप मनी मार्केट नहीं होगी तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? करेंसी नोट्स इशू करने पड़ेंगे या आरबीआई से बोरो करना पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी मनी की मार्केट में और इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए बेटर तरीका ये है कि जो गवर्नमेंट है वो मनी मार्केट से पैसा रेज करे। नेक्स्ट इज योर हेल्पफुल टू कमर्शियल बैंक। मनी मार्केट से जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग SLR रेशोज, कैश रिजर्व रेशोज, वो जो है वो कंप्लीट होती है। तो जो मनी मार्केट है वो फैसिलिटीज देती है कमर्शियल बैंक्स को कि जो भी उनका सरप्लस फंड है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो उनके पास पड़ा है उस पर वो इंटरेस्ट अर्न कर सकती है बाय इन्वॉल्विंग देमसेल्फ्स इन मनी मार्केट। देन गाइड्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई की पॉलिसी जो इसलिए बनाई जाती है जिसके थ्रू जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है क्रेडिट इकोनॉमी में। क्रेडिट का मतलब है कि जो आपकी मार्केट है, जो आपकी इकोनॉमी है, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ मनी सर्कुलेट करेगा उसे कंट्रोल करती है। तो जो मनी मार्केट है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे अगर हम कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं मनी मार्केट में वो सर्व करती हैं एज अ इंडिकेटर कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो पोजीशन है इकोनॉमी में वो कैसा है। जैसे अगर हम कहें कि जो इंटरेस्ट रेट है मनी मार्केट में जो प्रिवेल कर रहा है और जो डिमांड लेवल है और जो सप्लाई लेवल है मॉनेटरी फंड्स का मनी मार्केट में, ये आइडिया दे देता है अबाउट की इकोनॉमी की मॉनेटरी स्टेट कैसे है, और उसके अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन से जो आरबीआई है वो फॉर्मुलेट और रिवाइज करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को। नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मनी मार्केट है वो हेल्प करती है सेंट्रल बैंक को इन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक है वो यूज करता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। देन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट डील करती है लॉन्ग टर्म फंड्स में। अगर वेल डेवलप्ड मनी मार्केट होगी तो उसी से डेवलपमेंट होगी कैपिटल मार्केट की। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आपको लो इंटरेस्ट रेट पे अगर मनी मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपको इन्वेस्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैपिटल मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होंगे। इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल मार्केट में आप करते हो वो भी मनी मार्केट के थ्रू ही अपना जो डायरेक्शन है वो बनाती है। तो हेल्प करता है मनी मार्केट इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट इज प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में जो होती है वो लिक्विड और सेफ होती है। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट्स पे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पे आपको लिक्विडिटी और सेफ्टी मिल रही है तो वो इनकरेज करती है लोगों को कि वो सेव करें और इन्वेस्ट करें मनी मार्केट में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट।
इंडियन मनी मार्केट अंडरडेवलप्ड मार्केट है और डिसइंटीग्रेटेड मार्केट है। अगर हम इसे कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ की मार्केट के साथ, जैसे लंदन मनी मार्केट है, न्यूयॉर्क मनी मार्केट है, तो इन कंपैरिजन जो इंडियन मनी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जो मेन फीचर्स हैं इंडियन मनी मार्केट के वो क्या हैं वो हम अभी पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट फीचर है दैट इज़ डिकोटोमी। इंडियन मनी मार्केट दो सेक्टर्स में डिवाइड है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है उसमें RBI, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जबकि जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है उसमें मनी लेंडर्स, आपके इंडिजीनियस बैंकर्स और साहूकार्स को इंक्लूड किया जाता है। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उसके ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं होता।